हम भाई गाइस एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो आपका मैथमेटिक्स का यानी मैथ का जो मासिक टेस्ट है तो गाइस मैथ का होने वाला है। इसके बाद जो है आपका जो जिस भी सब्जेक्ट का होगा तो गाइस हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं। अभी आप इस वीडियो में जो है मैथ सब्जेक्ट का देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका समाज विज्ञान का जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। हमने आपके जितने भी सब्जेक्ट डाले पूरे पूरे वही आए और बहुत सारे बच्चों के जो है हर टेस्ट में 20 आए क्योंकि वो सभी वीडियो के गए थे। तो गाइस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तो गाइस आपकी इस वीडियो में भी 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिक्स टेस्ट में। इसके बाद समाज विज्ञान का डाल देंगे। तो गाइस आपके पास समय एक घंटे का रहने वाला है, तो गाइस यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस ये आपके निर्देश वगैरह निर्देश पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आपके जो है सही विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि दो नंबर के। तो गाइस पहला है यहाँ पर 729 के यहाँ पर घात दिया हुआ है, 1/3 का मान है। तो गाइस इसका मान बताना है 4, 5, 6, 7। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी अभी क्लियर नहीं है लेकिन ये 6 राइट आंसर है, एक बार ज़रूर ट्राई इसे मिला लेना। इसके बाद है 4/5 में 1/5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, इसे जोड़ने पर प्राप्त जो है 1 होगा। तो गाइस इसे जोड़ लेना आप, तो इसमें जो है राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो गाइस ये आपके दो नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि दो नंबर के हैं। पहला है 1 घनाभ में डॉट फलक होते हैं। तो गाइस 1 घनाभ में कितने फलक होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। तो गाइस इसमें आपको 6 लिख देना है। इसके बाद है ये आपको देख लीजिए 5 -3 -2 माइनस यहाँ पर फिर +2 फिर -2, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 राइट आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको हल करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो वैसे ही आपका 4 राइट आंसर आ जाएगा। तो वैसे इसमें आपके दो नंबर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, इसलिए जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो वैसे ही आपकी सही जोड़ियाँ चलिए मिला लेते। पहले का आपको बी ऑप्शन से मिला देना, इसके बाद दूसरे का ए ऑप्शन से। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जो है पहले का बी से दूसरे का ए से। तो वैसे ही आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, ये दो नंबर आपके इसमें कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर बताना है। तो वैसे एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है दो नंबर का। पहला है 87520 में संख्या 5 का स्थानीय मान। तो वैसे इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, तो वैसे इसमें 500 हो जाएगा। इसके बाद है 1 घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं। तो गाइस कितने शीर्ष होते हैं, 12 शीर्ष होते हैं। तो गाइस इसमें आपको 12 लिख देना है। तो गाइस ये आपके दो नंबर इसमें कंप्लीट हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके जो है एक शब्द वाक्य के हो जाते हैं। इसके बाद 77 जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित के लिए 77 लिखना है। देख लीजिए शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये आपका गलत हो जाएगा यानी असत्य है। इसके बाद दूसरा सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, तो वैसे ही आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे ही आपके 77 कंप्लीट हुआ है। अब आप जल्दी से फटाक से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आपको जो है स्क्रीनशॉट नहीं लेना, हम आपको जो इसकी आंसर शीट है वो दिखाएंगे, तो वैसे जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अब आपके जो है प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर छठवां है, आमिर ने बैंक से जो है 13,500 रुपये उधार लिए, तो 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कितने रुपये अदा किए। तो गाइस आपको बताना है, नहीं तो इसका अथवा भी कर सकते हैं। एक दुकान में पेंट की कीमत जो है 754 रुपये और शर्ट की कीमत है 560 रुपये, तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत है। बिल्कुल सिंपल है गाइस, जोड़ दीजिएगा। तो गाइस इसके बाद अब नेक्स्ट अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसर शीट दिखाने वाले सभी प्रश्नों के हल करके, ठीक है। तो गाइस ये आपका सातवां है, सातवां में 8√15 को 2√3 से भाग देना है, नहीं तो गाइस आप इसे जोड़ सकते हैं अथवा में। तो गाइस ये आपका जो है सातवां हो जाता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां देख लीजिए, यदि सरिता की वर्तमान आयु एक्स जो है वाई वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है, अथवा में दिया हुआ है एक्स बराबर 1 के लिए व्यंजक एक्स +4 का मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसके बाद नौवां क्वेश्चन दसवां है। तो इस नौवां क्वेश्चन में आपको 360 है को 5:7 के अनुपात में बांटना है। इसके बाद अथवा है यदि मोहन रमेश से 2 गुना जो है 2 गुना ऊंचा है, तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात बताना है। इसके बाद है आपका दसवां जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर हम आप इसके बाद देखेंगे। तो इसमें आपको बताना है 35% को भिन्न के रूप में कैसे लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो
तो कहीं 3/4 को प्रतिशत से आराम से बदल सकते हैं। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए अब इसके आंसर शीट देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए कक्षा नौवीं के जो आपका गणित का आंसर शीट जल्दी से मिला थी। चलिए सभी क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सी हो जाएगा, इसके बाद दूसरे में डी हो जाएगा। तो गाइस ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आपके जो है रिक्त स्थान है, तो इस पहले में 6 हो जाएगा, दूसरे में 4 हो जाएगा। ए आपको रिक्त स्थानों में भर देना, हमने आपको भर के ही बताए थे। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियाँ, पहले का बी से मिला देना, दूसरे का ए से। ए आपकी सही जोड़ियाँ कम्प्लीट हो गई। इसके बाद है फोर क्वेश्चन, फोर में आपको एक वाक्य में ये इनके आंसर लिखना था। तो गाइस इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन है 5 का स्थानीय मान पूछ रहा था, तो गाइस 500 था। इसके बाद दूसरे में शीर्ष पूछ रहे थे, तो गाइस इसमें 12 शीर्ष थे, तो गाइस इसमें आपको 12 लिख देना, ठीक है। इसके बाद पाँचवा सत्य, तो गाइस पहला आपका हमने असत्य बताया था, इसके बाद दूसरा सत्य, तो गाइस ये आपके सत्य कम्प्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर छठवा, छठवां क्वेश्चन में देख लीजिए आमिर ने जो है बैंक से 1350 रुपये लिए थे, इसके बाद 2 वर्ष बाद इतने जो है चुकता कर दिए थे। तो इस यहाँ पर कुल रुपये आ जाएंगे आपके 15180 राइट आंसर आ जाएगा। तो इस आपको इस तरह हल्का देना जैसे हमने कर दिया, आपको भी इसी तरह जो है हल्का देना, तो इस आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है आपका सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन का आंसर, तो इस सातवां का है ये आपका अच्छे तरीके से इसे जो है इसे 8√15 को भाग देना है यहाँ पर 2√3 से भाग देने पर। तो वैसे यहाँ पर भाग देंगे तो वैसे इस तरह जो है इसका जो आंसर आ जाएगा वो रूट यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर सातवां का आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 वर्ष बाद सरिता की आयु हो जाएगी 5+y, फिर हो जाएगा y+5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे y+5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप अथवा का भी कर सकते हैं। अथवा में देख लीजिए यहाँ पर दिया है x=1, व्यंजक कितना है तो 1+4=5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे जो भी आपको करना हो अथवा का, नहीं तो दोनों सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर देख लीजिए नौवां आ जाता है, नौवां में आपको अनुपात बताना है। नौवां क्वेश्चन का आंसर है 360 को 5:7 के अनुपात में बैठाने पर। तो वैसे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 210 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो वैसे इसका राइट आंसर 210 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 210 150/210 हो जाएगा। तो वैसे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही जल्दी से नौवें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर है यहाँ पर। तो वैसे आपका नौवां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, सभी क्लियरली आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद 35% को भिन्न के रूप में लिखना था, तो इसे यहाँ पर 35/100 कर देंगे, तो वैसे इसे भाग जो है काट देंगे तो 7/20 आ जाएगा। तो वैसे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही 7/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न के रूप में लिख देना है। तो वही ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपको इसका जो PDF है अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पर हमने इसका PDF डाल दिया हो। हाँ गाइस आपका नेक्स्ट समाज विज्ञान का सब्जेक्ट का पेपर जल्द से जल्द जो है अपलोड होने वाला है पूरा फुल सॉल्यूशन सहित। तो वही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब। वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।